बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ओरियम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स थ्री वन सेवन्थ एडिशन चैप्टर वन एक्सरसाइज वन बी क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन ये है, हुक्सी नीड्स टू पैक 171 पेन, 63 पेंसिल्स एंड 27 रेजर्स इनटू आइडेंटिकल गिफ्ट बैग्स सो डैट ईच आइटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गिफ्ट बैग्स। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स डैट कैन बी पैक्ड एंड सेकेंडली द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। बेसिकली एक पर्सन है, उसने 171 पेंसिल्स पेंस 63 पेंसिल्स और 27 इरेजर्स को एक जैसे बैग्स के अंदर पैक करना है। तो हमने ये फाइंड करना है कि कितने बैग्स बनेंगे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स डैट कैन बी पैक्ड, और सेकेंडली हमने ये फाइंड करना है कि हर बैग में कितनी कितनी आइटम्स आएंगी, द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम आपको हिंट देंगे। हिंट इसमें यह है, द वर्ड लार्जेस्ट मींस डैट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। जब भी लार्जेस्ट का वर्ड आ जाए तो हमने हमेशा उसमें एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद है, देन द नंबर विच विल बी लेफ्ट आफ्टर फाइंडिंग एचसीएफ दोज विल बी द रिमेनिंग आइटम्स। उसके बाद जो नंबर्स बच जाएंगे, जो रिमेनिंग आइटम्स होंगी, बेसिकली वही इसमें जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर होगा, द नंबर ऑफ ईच आइटम इन द गिफ्ट बैग। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में ये है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स। तो हमने बेसिकली यहाँ पे हमने एच सी एफ फाइंड करना है, किसका, 171 का, 63 का और 27 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 171, देन 63 और देन 27। अच्छा, अब आपने ये चेक करना है कि तीनों नंबर्स किस टेबल पे डिवाइड होते हैं। टू पे तो डिवाइड नहीं होते क्योंकि लास्ट नंबर सेवन है और वो ऑड नंबर है। यहाँ पे लास्ट नंबर थ्री है, वो भी ऑड है। यहाँ पे लास्ट नंबर वन है, वो भी ऑड है। बेसिकली एचसीएफ के लिए हमने वो नंबर फाइंड करना होता है जिस पर ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। और अगर थ्री पे देखें तो 63 भी डिवाइड होता है, 27 भी, और 171 को अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करें तो 7 + 1 + 1 9, तो 9 ये भी डिवाइड होता है 3 के ऊपर। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको, 3 × 5 = 15, तो 2 बचेगा, तो 1 के साथ मिलेगा 21 हो जाएगा, तो 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27। अच्छा, 57, 21 और 9 ये भी 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड कर दें, 3 × 1 = 3, तो 27 हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9। अच्छा, अब 19, 7 और 3 ये तीनों नंबर्स किसी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बेसिकली हमारे पास जो एचसीएफ होता है, वो एचसीएफ होता है कि आप ये जो नंबर्स साइड पे आ रहे हैं आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एचसीएफ आता है। तो हमने एचसीएफ नहीं फाइंड करना, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स डैट कैन बी पैक्ड। तो हम बेसिकली ये एचसीएफ ही है, तो इसको हम इस तरह से स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स डैट कैन बी पैक्ड Packed, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये जो साइड पे नंबर्स आ रहे हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 और 3 को, तो 3 × 3 आपके पास 9 आ जाएगा। ये तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब आगे सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। तो बेसिकली जब आप एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जो नीचे यहाँ पे आंसर आता है, बेसिकली ये वाला आंसर, ये नंबर ऑफ ईच आइटम्स हैं। ये पहले 171 आपके पास पेन्स थे, तो ये अब 19 पेन्स आएंगे एक बैग में। उसके बाद 63 पेंसिल्स थी, तो अब 7 पेंसिल्स आएंगी एक बैग में। और 27 हमारे पास जो थे वो यहाँ पर क्या था, 27 इरेजर्स। तो बेसिकली
ये 27 है ना, ये इरेजर्स हैं, तो अब 3 इरेजर्स आ जाएंगे। तो जो इसका आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो बेसिकली होगा 19, 7 और 3। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपने देखना है द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ईच आइटम्स आ जाएंगी 19, 7 और 3। तो ये बेसिकली आपके दोनों पार्ट्स का आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका सलूशन। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सारी वीडियोस हैं मैथमेटिक्स की, ये सारी वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सकें। तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस फॉरवर्ड करें, इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिनको डी मैथ नहीं आता वो इसको सीख सकें। ये बेसिकली टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, ये डी मैथमेटिक्स क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में यूज़ होता है। तो टीचर्स भी यहाँ से सीख सकते हैं, स्टूडेंट भी सीख सकते हैं। तो डैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।